हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षास किचन। आज हम बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक। फ्रेंड, बनाने से पहले मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के चाहिए हमें आधा कटोरी कोको पाउडर, चॉको चिप्स ले लेंगे और 1.5 कप मैदा ले लेंगे, 1 कटोरी चीनी ले लेंगे, 3 अंडे ले लेंगे और आधा कटोरी मक्खन ले लेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे 1 पिंच, वेनिला एसेंस ले लेंगे आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर ले लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेंगे जालीदार केक बनाने के लिए, और 1 कप हम दूध ले लेंगे, चेरीज ले लेंगे, व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और डार्क चॉकलेट ले लेंगे। फ्रेंड्स, एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे हमारा मक्खन। सब रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा। उसके बाद ले लेंगे हम चीनी, अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अंडे डाल देंगे 1 बाय 1। अगर आप अंडे नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा दही डाल सकते हैं। 4-5 भी डाल सकते हैं, जितना आपको लगे। इससे एक सॉफ्ट बनेगा और मॉइस्ट टाइप बनेगा बढ़िया सा। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे, जब तक चीनी नहीं पिघल जाएगी मिलाएंगे इसको हम अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, को बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है बीटर से। आप हैंड इससे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा बट हो जाएगा। देखिए डिजॉल्व होगी चीनी। अब सारे हमारे रेड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम इसके अंदर 1 बाय 1। मैदा डाल देंगे, कोको पाउडर डाल देंगे और हम डाल देंगे सबसे इम्पोर्टेंट वेनिला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा दूध डाल देंगे ग्रेजुअली, ज़्यादा मत डालिएगा तो पतला हो जाएगा बैटर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा और डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे, बस दैट्स इट। रिबिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए जैसे फ्लोइंग वाली, एक तरफ से भी आप घुमा सकते हैं इसे। फ्रेंड्स, हमारी देख लीजिए कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया है, जैसे कट एंड फोल्ड, जैसे फ्री फोल्डिंग होना चाहिए। दैट्स इट, ये हमारा तैयार है बैटर। फ्रेंड्स, ओवन को प्रीहीट कर लेंगे कन्वेंशन पे 10 मिनट्स के लिए। फ्रेंड्स, हमारा बैटर को हम पोर करेंगे केक टिन में। इसको हमने तेल से ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, को टैप कर लेंगे, एयर बबल्स निकल जाए अच्छी तरह से, इवन हो बिल्कुल, बस दैट्स इट। फ्रेंड्स, हमारा हो गया प्री हीट। अब हम इसको इसमें डाल देंगे केक टिन को, दैट्स इट। और अब 35 से 40 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे। बीच में चेक करते रहेंगे। 40 स्टार्ट। फ्रेंड्स, इसके लिए हम गनाज बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे, पैन में गरम करेंगे, इसमें चेरीज डाल देंगे और हम डालेंगे चीनी। चीनी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, पानी शामिल करेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। हाँ, थोड़े 2-4 मिनट के लिए, फ्रेंड्स 5 मिनट तक करेंगे आप इसको, जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए अच्छी तरह से।
फ्रेंड्स हमारा ये गनाश और ये जो है तैयार हो गया है, इसको अब हम पोर कर लेते हैं इसके अंदर। थोड़ा ध्यान से करिएगा, गर्म है, दैट्स इट। इसको अलग कर लेंगे फ्रेंड, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स व्हिप क्रीम को अब हम बीट करेंगे। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स मीठा से, इसमें आप शुगर ना ऐड करें तो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। कुछ व्हीप क्रीम जो आती है सॉल्ट वो होती है शुगर वाली, वो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा व्हीपिंग क्रीम व्हीप हो गया, इसको अब हम रेस्ट रख देंगे। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, 40 मिनट्स हो गए, लेट चेक। देखिए देख रहा है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड एकदम बढ़िया बेक हो गया। नीचे में से आप देखें, देखिए क्लियर है ये हो गया। इसको ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट, फिर इसके बाद इसकी आइसिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमारा केक कूल डाउन हो गया, देखिए इसको एजेस को हम साइड से स्क्रैच कर लेते हैं हल्का सा, अपने आप ही बाहर आ जाएगा। देखिए बढ़िया से एकदम फूल गया है, स्पॉन्ज बनाए काफ़ी। इसको हल्का सा फ्रेंड टैप करेंगे, देखिए बढ़िया से फ्रेंड्स हो गया है। फ्रेंड्स की लेयर कट करेंगे, अब इसको हम ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करके इसको इवन कर देंगे। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ताकि जब हम क्रीम लगाएंगे तो बढ़िया से इसमें जो है फीलिंग आ जाएगी। फ्रंट इसको कट कर लेंगे हम दो पार्ट में। फ्रंट हमने टर्निंग टेबल ले ली, इसके ऊपर हमने ये कार्डबोर्ड रख दिया है और इस पर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे हल्का सा, और अब इस पर एक लेयर रखेंगे। लेयर रखेंगे फ्रेंड्स, और इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे गनाश। ये हमारा एकदम से देखिए पिज़्ज़ा एकदम बढ़िया। इस तरह से इस पर स्प्रेड आउट कर लेंगे, थोड़ी सी चॉको चिप भी शामिल करेंगे फ्रेंड्स, अच्छा स्वाद आएगा। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे क्रीम। बहुत सारी क्रीम लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसको स्प्रेड करते जाएंगे। उसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे फ्रेंड्स, इस पे भी चाशनी डालेंगे। काफी जूसी बने, क्रीम लगाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को क्रीम लगा के हमने अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया, स्क्रैप कर दिया। फ्रेंड डार्क चॉकलेट को अच्छी तरह से हम स्क्रैप कर लेंगे बढ़िया से, इसलेंगे कोई सी भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स हम चॉकलेट शेविंग कर ली है, इसको हम साइड साइड डाल देते हैं।
तरह से भी आप डाल लीजिए। चॉकलेट चॉकलेट बेहतरीन लगेगा फ्रेंड्स। तो ये क्या टिकल जाएंगी, तो आप साइड में भी थोड़ा सा अटैच कर दीजिए। फ्रेंड्स हमने चॉकलेट डाल दी है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर से थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। पाइपिंग में ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे, अच्छी तरह से भर देंगे। फ्रेंड्स हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, अब इसके अंदर हम थोड़े से फ्लावर बना देंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, बढ़िया से बन गया है हमारे फ्लावर। अब हम इसमें चेरीज लगाएंगे। फ्रेंड्स अपना ये केक रेडी है, इसे आप किसी वकेशन बनाए खाएं, स्पेशली बर्थडे एनिवर्सरी पार्टीज में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।